और एक बात बताओ, 24 आवर्स चैलेंज किया जाए या नहीं, कमेंट करके बताओ। यार एक भाई ने पूछा था कि स्कॉर्पियो ने कितना एवरेज दिया जब आप ट्रिप पे गए थे, तो भाई उसका रिप्लाई ये है कि भाई से मिल के आते, केक कटिंग करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। संदीप डागर हमारा हैवी ड्राइवर, भाई का है बर्थडे, हम भाई के बर्थडे में पहुँच गए हैं। तो भाई निकल लिए हम केक कटिंग के लिए, ये देखो अपनी गाड़ी चल रही है बैक टू बैक, कारवां है पूरा हैवी ड्राइवर का, ये देख लो। हैप्पी बर्थडे भाई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो भाई कुछ Q&A का आंसर मैंने दे दिया था, कुछ Q&A का आंसर बच गया था, तो वो देखते हैं वीडियो में दे दूंगा कहीं ना कहीं, या फिर कमेंट में रिप्लाई तो मैं कर ही देता हूँ। बाकी भाई मस्त वाली जिम हो चुकी है, चेस्ट की एक्सरसाइज मारी, अब वापस घर जा रहा हूँ। और एक बात बताओ, शायद ये मैंने पहले ही पूछ लिया व्लॉग में, कि 24 आवर्स चैलेंज किया जाए या नहीं, कमेंट करके बताओ। चलो स्टार्ट करते हैं नए व्लॉग को। भाई ब्लैक गाड़ी का यही टोरा है, धुलने के बाद गाड़ी मतलब ऐसे लग रही है ना, रोड प्रेजेंस ही बढ़ जाती है गाड़ी की। बाकी स्कॉर्पियो की तो रोड प्रेजेंस है ही, आपको पता ही है। बाकी तो इसमें अभी दिखा रहा है, एक मिनट ये देखो, एक डंडा है इसके अंदर, तो आज माइलेज टेस्ट कर ही लिया जाए, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो आपको बता देंगे अभी। हाँ यार एक भाई ने पूछा था कि स्कॉर्पियो ने कितना एवरेज दिया जब आप ट्रिप पे गए थे, तो भाई उसका रिप्लाई ये है कि तो स्कॉर्पियो हमारे पास है S7, और S7 में शो नहीं करता कि कितनी एवरेज आ रही है, तो आज मैन्युअली टेस्ट कर देंगे, ठीक है, और आपको पता चल जाएगी कितनी एवरेज दे रही है हमारी स्कॉर्पियो, तो उसको अलग से डालेंगे, एक सेपरेट वीडियो डालेंगे उसकी, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो फिर घर चलते हैं जल्दी से, फरीदाबाद भी जाना भाई, आज क्यों जा रहे हैं वो भी आपको जल्दी पता चल जाएगी। बाकी पसीने आ रहे हैं भाई बहुत ज्यादा, बहुत दिन के बाद जब एक्सरसाइज होती है ना, और वो भी अच्छे वाली, तो मजा और पसीना दोनों ही ज्यादा आते हैं। चलो फिर घर पहुंचते हैं जल्दी से, ड्राइवर के साथ खेलेंगे बॉल से, आओ स्नाइपर कम, सीवी हट जाओ, सीवी हट जाओ, स्नाइपर आ रहा है, स्नाइपर आ रहा है, हट जाओ, देखो स्नाइपर को देखो, देखो किक मारो, ये ए। तो भाई सुबह से कहीं नहीं निकला था, घर पे ही था क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी। तो भाई अभी निकल रहा हूँ, और अब मैं कहाँ जा रहा हूँ अभी बताता हूँ, एक मिनट रुको, गाड़ी बैक कर लेते हैं। और भाई ये देखो फॉग जम गई पूरी गाड़ी पे, दीपक अभी ऑफिस से आया तो दीपक नहीं जा रहा है मेरे साथ। तो भाई अभी हम जा रहे हैं मिलन ढाबे पे, तो अपना जो भाई है ना संदीप डागर, भाई का है आज बर्थडे, तो पहले तो प्लान बन रहा था कि यार फरीदाबाद आ जाओ, टाइम पे तो मेरा जाना पॉसिबल नहीं था, मैं सोच रहा हूँ 5-10 मिनट के लिए होके आ जाता हूँ भाई का केक कटिंग वगैरह करके और वापस आ जाएंगे, क्योंकि वैसे मैं घर पे ही था, मतलब मैंने आपको बोला था कि आज फरीदाबाद जाने का प्लान है, तो भाई वो कैंसिल हो गया, आज फरीदाबाद भाई के पास ही जाना था, भाई ने बोला कि मॉर्निंग दिन में करते हैं प्लान, पर वहां पॉसिबल नहीं हुआ, तो फरीदाबाद से वो आ गए यहाँ पलवली, तो इसलिए फिर भाई से मिल के आते हैं, केक कटिंग करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। दीपक का प्लान नहीं था आने का, क्योंकि दीपक जस्ट अभी ऑफिस से आया था तो थका हुआ था, तो मैंने कहा कि चल साथ में चलते हैं हम दोनों, पहले प्लान था कि मैं अकेला ही चला जाऊंगा, क्योंकि भाई पलवल आए हैं फरीदाबाद से तो भाइयों से मिल के आएंगे, तो इसलिए अब दोनों भाई निकल गए हम और बर्थडे सेलिब्रेट करके वापस आ जाएंगे घर जल्दी, ठीक है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही ये मिल गया हमें जाम, जो कि पलवल की शान बन चुका है आज के टाइम में, जब तक ये फ्लाईओवर नहीं बनेगा भाई यही हाल रहना है पलवल में, और मिलेगा ही क्या अपने को। बाकी भाई जल्दी से निकालते हैं, बीच में से ले लेंगे ना, अंदर से निकाल देंगे बाजार में से, सीधा निकलेगा वही उस पे हुड्डा चौक पे, कट मार के निकालते हैं भाई जल्दी से, क्योंकि टाइम भी कितना हो गया भाई, 7:15 हो गए भाई। ये खड़ी अपनी हैवी ड्राइवर की गाड़ी, ये रही। फाइनली हम भाई के बर्थडे में पहुंच गए हैं। थैंक यू ब्रो। और भाई निशांत, हेलो, हैवी ड्राइवर का जन्मदिन है आज, और अपने आशीष शौकीन भाई चले फिर अब केक वेक कटिंग करने। हाँ भाई ये देखो तीनों ब्लैक अपनी है क्या? हाँ सारे। अच्छा देख लो भाई, ब्लैक ही ब्लैक, दूसरी कहाँ है, चौथी कहाँ है? एक जैक की बोरी, एक वहाँ खड़ी एंडेवर बोरी व्हाइट वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एंडेवर भी अपनी है, एक व्हाइट स्कॉर्पियो भी है। अच्छा अच्छा, आ जाओ चलो फिर। तो भाई केक कटिंग करने के लिए एक बार हुड्डा में चल रहे हैं सारे भाई, और फिर केक काट के वापस आ जाएंगे यहीं पे, बाकी अपनी तो यहाँ खड़ी है ब्लैक भी। भाई निकल लिए हम केक कटिंग के लिए, ये देखो अपनी गाड़ी चल रही है बैक टू बैक, कारवां है पूरा हैवी ड्राइवर का, ये देख लो। बाकी यहाँ पे अपनी हबीबी ना ब्लैक बीस्ट, सॉरी भाई, मैदान में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे लगा देंगे सारे भाई अपनी गाड़ियाँ, देख लेना अब एक एक गाड़ी लगती चली जाएगी लाइन से, और फिर उसके बाद करेंगे केक कटिंग। अपनी बीच में रख लेता हूं।
हाँ बीच में सेंटर में रख भाई, किया हैवी ड्राइवर सेंटर में रहनी चाहिए। आज भाई वर्ल्ड डे सेंटर में रही गाड़ी भाई, बाकी अपनी गाड़ी लगनी शुरू हो गई है अपनी, यहाँ खड़ी है ब्लैक बीच। हैवी ड्राइवर ऊपर ही लगा दिया है भैया, हैवी ड्राइवर 30 के ले भैया, क्या बात है। अरे है गए हो गया आज ही हो गया, लगा दो। दो जाने की कैसे जाओ? अरे मेरा कोई नहीं, कुछ समझे समझे कुछ, अरे ना कोई दिक्कत ना भाई के बर्थडे की काली भाई, कोई नहीं वीकेंड बैठे नहीं अभी भाई, बिल्कुल ना ना भाई, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता भाई। ठीक है भाई, ठीक है, ओके भाई जी, ठीक है आशीष भाई, मिलेंगे हैं वीकेंड पे, मिलेंगे किसी दिन, जल्दी से प्लान बनाएंगे। तो भाई हमें कुछ काम है, इस चक्कर में हम निकल रहे हैं दोनों भाई, और भाई अभी खाना वाना खाने के लिए जाएंगे मिलन ढाबे पे। चलो तो भाई अब हम वापस घर जा रहे हैं, क्योंकि दीपक अभी ऑफिस से आया था तो थका हुआ था, तो इसलिए, और फिर उन भाइयों को अभी और टाइम लगेगा क्योंकि वो खाना वाना भी खाएंगे, और हमें मुझे कुछ और भी काम था, तो इसलिए फिर अब वापस घर जा रहे हैं और देखते हैं घर जाके खाना वाना डिनर करेंगे। भाई बहुत मजा आया भाई संदीप डागर के बर्थडे में आके भाई से मिलके, भाई बिल्कुल दिल से मिलता है ना, दिलदार आदमी है भाई। हाँ और भाई और भी भाई आए थे अपने आसपास के, फरीदाबाद के, पलवल के भी थे कुछ, तो भाई सब भाइयों से मिलके बहुत ही मजा आया भाई, दिल खुश हो गया। आशीष भाई वो भी मतलब उसके संदीप डागर भाई के साथ ही रहते हैं, तो उनसे भी मिलके वो कह रहे हैं हमारी गाड़ी का एक रिव्यू करना, तो भाई अपने लिए सब ओपन है, जो करना चाहे करो रिव्यू। वो कहते हैं यार ये ऐसी स्कॉर्पियो ना पहली देखी है मैंने जिसपे ये टेंट लगा हुआ है, मैंने कहा भाई ये यूनिक है, इंडिया में पहली स्कॉर्पियो है जिसपे रूफ टॉप कैंपिंग हो रही है। तो भाई इसी के साथ अभी घर पहुंचते हैं और खाना वाना खाएंगे और देखते हैं फिर क्या काम करना है। ठीक है चलो फिर घर चलते हैं। भाई बर्थडे से आने के बाद डिनर किया है और अब संदीप डागर भाई को वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, और भाई मिलके बहुत ही बढ़िया लगा, और भाई हमेशा दिल से ही मिलता है जैसे भी मिलता है। मनाली में भी हम मिले थे बट ज्यादा हम इधर उधर घूम नहीं पाए थे क्योंकि मनाली में फुल पैक था, इसलिए टाइम नहीं मिला था मिलने का ज्यादा। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, ठीक है। इस वीडियो में ज्यादा कुछ था नहीं, वैसे प्लान था फरीदाबाद जाने का, वो जा नहीं पाए उसी रीजन से कि भाई पर वो लागे, तो भाई इसलिए बस बर्थडे का सेलिब्रेशन हुआ, आके खाना वाना खाया, ऑफिस का काम कर रहा हूँ और कुछ करने के लिए है नहीं। लाइट गई हुई है पिछले 2 घंटे से, रीजन पता नहीं क्यों गई हुई है, ना तो बारिश आई है ना कुछ हुआ है भाई, पता नहीं क्यों लाइट गई हुई है, बाकी सब सो चुके हैं। मैं अभी ऑफिस का काम कर रहा हूँ, 10 बजने वाले हैं। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, और वीडियो में अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, लिव यंग लिव फ्री।